सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल को। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 में हमें फिलहाल जो One UI 2.5 का अपडेट देखने को मिला था, उसके बाद हम इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट चेकआउट करने वाले। जी हाँ गाइस, कि हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 में One UI 2.5 के अपडेट के बाद। तो प्लीज गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, किसी चीज को कहीं पर स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आपका और हमारा टाइम न गवाते हुए। ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A50 और इसमें हम सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिंगरप्रिंट सेटअप कैसे होता है। तो यहाँ पर हम सीधा चले जाते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी को। यहाँ पर जैसे आप सिक्योरिटी को सिलेक्ट करते हो, आपको ऐड फिंगर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड लगा लेना है, 00 का एग्जांपल के तौर पर हम लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप इसे कंटिन्यू करते हो तो आपको यहाँ पर फिंगर सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल दिखा रहा है, वैसे आपको यहाँ पर फिंगर सेटअप करना है। तो हम यहाँ पर अपना फिंगर 100% सेटअप कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये 100% हो चुका है। अगर आपको एक और फिंगर ऐड करना है तो आप इसे यहाँ से ऐड वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आपको यहाँ से इसे डन कर लेना है। जैसे आप डन करते हो तो आपका फिंगर यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब देख लेते हैं कि हमारा फिंगर कैसे वर्क करता है। तो गाइस, 2.0 के कंपैरिजन में हम सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सैमसंग गैलेक्सी A50 में। क्योंकि पहले हम जैसे देखते थे कि हमें जब फिंगर सेटअप करना था तो हम ऐसे ऐसे करके फिंगर रखते थे, फिर भी एक्सपर्ट नहीं करता था। अब ये सीधा फटाफट एक्सेप्ट कर लेता है जैसे ही आप इसे रखते हो। थोड़ा स्पीड कम है अदर ब्रांड के कंपैरिजन में, बट बेस्ट है इसका परफॉर्मेंस अभी पहले से। और ये भी दिखा दूं कि हमने इसमें 2.5 जो अपडेट किया था उसके बारे में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाकर कि यहाँ पर हमें 2.5 का भी UI देखने को मिलता है। यानी कि हमने जो टेस्ट किया वो काफ़ी अच्छा है और सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर। तो गाइज, अगर आपने अभी तक सैमसंग गैलेक्सी A50 को 2.5 में अपग्रेड नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत 2.5 में देखने को नहीं मिलती। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।